तो भैया अब इसमें क्या लाभ है? इसमें लाभ यह है भैया कि दो दो दाना में दाना कम लगता है, बीज है, बीज कम लगता है, और परंपरा विधि में ज्यादा लगता है। तो परंपरागत विधि में मतलब भैया? परंपरागत विधि में भैया 7-8 किलो बीज डालते हैं इसमें। और ये श्री विधि में है तो 1 किलो बीज है 10 डिसमिल का पर्याप्त हो जाएगा। 10 डिसमिल की बात है। अच्छा अच्छा भैया ठीक है। और कुछ लाभ है भैया इसमें? इसमें लाभ ये है भैया पौधा अच्छा बनाता है, दूर दूर में पौधा भी अच्छी बनता है। हाँ, पौधा अच्छा बनाता है। और परंपरा के विधि में तो झगड़ते रहते हैं, मतलब खाद पानी नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। और श्री विधि में तो अच्छा पौधा बनता है और पैदावार भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा ठीक ठीक तो भैया आप ये किसानों को, जो गांव किसान है, उनको क्या संदेश बता सकते हैं? हम संदेश यही बता सकते हैं भैया कि गांव वालों को, सभी को, कि श्री विधि को अपनाओ। और ये जानकारी देना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब गांव को, सब गांव वालों, किसानों को, सबको बताना चाहता, बताना चाहता और यही खेती करवाना चाहता, करवाना चाहता। ठीक भैया। तो अच्छा, तो भैया अब मैं चल रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक है भैया। तो राम राम। है राम राम भैया।